तो जी देखिए, मैं ना खाना बना चुकी हूँ, नाइवा खाने के बाद हूँ, मतलब कि हाफ प्रिपरेशन हो चुकी है। ये देखिए, इसमें ना कढ़ी बनाई है, अभी ऊपर से जो रेड तड़का लगता है ना वो लगाऊंगी मैं। और ये है, ये ना राजस्थानी डिश है, राजस्थानी तरीके से ही मैंने कढ़ी बनाई है। और ये ना इसके साथ गट्टे खाए जाते हैं, लौकी डलती है इसके अंदर, लौकी, बेसन, आटा, ये सब चीज़ें, सौंफ वगैरह, मसाले, मोइन थोड़ा सा, ये सब चीज़ें डलती वो है। और अगर अब थोड़े से चावल बना रही हूँ, क्योंकि ये मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, थोड़ा बहुत खाती हूँ, मेरे हस्बैंड खाएंगे, और कढ़ी और चावल वो मैं खाऊँगी। तो बस यही बनाया आज के लंच में, आज रोटी स्किप कर दी, रोटी नहीं बनाएंगे। तो यही है कुछ, और बस काम हमारे जो है अभी थोड़े से हो चुके हैं, थोड़े से बाकी हैं। आजकल पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ खुद नहीं पता। और आज काजल नहीं लगाया, क्योंकि काजल लगाती हूँ ना तो अभी तो ठीक है, जब लगाती हूँ तो सही लगता है, शाम के टाइम पर ना यहाँ पे आ जाता है बुरा काजल, तो इसलिए अब एक दो दिन नहीं लगाऊंगी। थोड़ी सी आँख ऐसे भी रहने चाहिए, ऐसे भी अच्छी लगती कभी कभी, बस ऐसे क्या लगता है कि बीमार है ऐसा लगने लगता है, आँखें अगर सूनी होती है तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन काला काला यहाँ पर काला काला होने लगता है ना, तो उससे अच्छा है कि एक दो दिन ना लगाओ, फिर लगाओ, कभी लगाओ कभी मत लगाओ, ऐसे करते रहो। चलिए फिर, वीडियो की शुरुआत तो मैं मॉर्निंग से ही कर चुकी हूँ। और कढ़ी कैसे बनाई थी, आपको कैसी लगी, देख चुके होंगे आप लोग, बताना अगर इस तरह से बनाते हो तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नॉर्मल जो कढ़ी बनती है ना अच्छी लगती है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए एक बार इस तरह से ट्राई की है तो आपको पता ही होगा, नहीं किए ना तो ज़रूर बनाना इस तरह से एक बार, फिर आप इसी तरह से बनाओगे, वो तरीका ही भूल जाओगे बनाने का, यही तरीके से आप बनाओगे और बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। चलिए फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं, अभी थोड़े से जो काम बाकी हैं वो निपटा लेते हैं।